यहाँ पे बजरंगबली जी हैं, ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। यहाँ भी देखो, यहाँ पे हमारे भोलेनाथ काफी बड़ी प्रतिमा है। यहाँ पे देखो शिवलिंग, यानी कि हमारे भोलेनाथ जी और गणपति, यहाँ पे काम चल रहा है, हंसी मजाक भी हो रही है। देखो दुर्गा माता भी से चालू हो चुका है, प्यारी लग रही मूर्ति, काफी शानदार। हे गाइस, वेलकम बैक व्लॉग स्क्रॉल पे, तो फिर सब सभी का स्वागत है। गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ तनोद गांव में। आप लोग काफी कमेंट कर रहे थे कि गणेश मूर्ति बनती हुई दिखलाइए करके, तो मैं अभी आ चुका हूँ मैघुराम चक्रधारी के यहाँ, और यहाँ पे अच्छी बड़ी बड़ी मूर्ति तैयार हो रही है, तो बैक कैमरा से दिखलाता हूँ। गाइस, तो तनोद गांव आगे साइड में है, लेकिन जब आप तनोद गांव एंट्री करेंगे तो आप लोगों को मैघुराम चक्रधारी देखने को मिलेगा। रोड किनारे में ही है, बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। तो यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी मूर्ति बन रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखो, इस तरह से बहुत ही ज्यादा बड़ी मूर्ति है। अभी जो काम है आधा अधूरा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं हाथ बन नहीं पाया है प्रॉपर। और इसके जस्ट पीछे साइड में यहाँ पे बजरंगबली जी है, ये देखो यहाँ पे बजरंगबली जी है। ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, हाथ में लिए हुए हैं गणपति महाराज जी को, जो कि बहुत ही छोटा सा है, बहुत खूबसूरत दर्शाए हुए हैं यहाँ पे, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ भी देखिए गाइस, काफी बड़ी मूर्ति है ये, और इसके डिजाइन भी देखो आप लोग, काफी खूबसूरत सा यहाँ पे डिजाइन दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे अभी व्हाइट पट्टी भी हुआ नहीं है, और यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब भी आए हुए हैं। गाइस, तो ये देखो इस साइड में अच्छा खासा तैयारी चल रहा है, पैरा वरा एकदम बकायदा बांध के रखे हुए हैं, पता नहीं इसको क्या स्वरूप दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ भी देखो, यहाँ पे हमारे भोलेनाथ काफी बड़ी प्रतिमा है यार, यहाँ पे गणपति महाराज जी हैं, यहाँ पे शेर बने हुए हैं बढ़िया सा, और ये देखो यहाँ भी गणपति है, क्या बात है। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे मूर्तियाँ बन रही है भाई साहब, और जब ये बन जाएगी ना, उसके बाद जब दिखलाएंगे तो क्या ही गजब का दिखेगा भाई। और इसके जस्ट पीछे साइड में भी काफ़ी बड़ी सी प्रतिमा बनाई जा रही है गणपति महाराज जी का, ये देखो काफ़ी बड़ा सा ये सेट है, इसमें गद्दी के ऊपर गणपति महाराज जी बैठेंगे। गाइस, तो भी हम अंदर आ चुके हैं आप लोगों को यहाँ पे जो बड़ी बड़ी प्रतिमा है वो दिखलाने के लिए। ये मेरे ख्याल से पिछले साल की हो सकती है, या फिर अभी बनाए होंगे पता नहीं। और यहाँ पे काफ़ी सारे गणपति महाराज जी रखे हुए, काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। फिलहाल हम गोदाम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कितने हद तक तैयार हो गई है मूर्ति। यहाँ पे वाइट पुट्टी हो चुकी है, देखो इसमें नहीं हुआ है वाइट पुट्टी, लेकिन डिजाइन जो है काफ़ी अलग अलग है। यहाँ पे छोटे छोटे गणपति महाराज जी बने हुए हैं इस तरह से, देखने में बहुत प्यारे लगेंगे, पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। यहाँ पे वाइट पुट्टी हो चुका है अंदर में, और ये देखो भाई ऊपर में शंकर भगवान जी, और यहाँ पर है माता रानी, और बीच में है गणपति महाराज जी। काफ़ी बड़ी ये प्रतिमा है, वाइट एंगल में भी नहीं आ पा रहा है, ये देखो। और यहाँ भी है गणपति महाराज जी सोफा सेट में बैठे हुए, काफ़ी बढ़िया सा, और अभी भी काम चल ही रहा है बहुत बढ़िया सा। और ये देखो भाई, ये वाला सेट देखो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, तो इस तरह से यहाँ पे ये पहनाया जा रहा है। ये पूरी मिट्टी से बनी हुई है भाई, और जब फिनिशिंग देते हैं ना तो लगता नहीं कि मिट्टी की मूर्ति है। वाह, ये भी बहुत प्यारा दिख रहा है। गाइस, तो यहाँ पे देखो शिवलिंग, यानी कि हमारे भोलेनाथ जी और गणपति महाराज जी। ये जो सेट है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अब इसमें कलर हो जाएगा ना, श्रृंगार हो जाएगा, तब भाई काफ़ी खूबसूरत सा दिखेगा ये, क्योंकि एक से बढ़कर एक आप लोगों को थनोद में मूर्ति कलाकार देखने को मिलेंगे। जो मूर्तियाँ हैं काफ़ी दूर दूर जाती है, बाकी यहाँ पे देख लो सब लगे हुए हैं काम धाम पे। गाइस, तो ये सेट भी देखो आप लोग, वाह यार एक नंबर। यहाँ पे घोड़े हैं, और ऊपर में हमारे पता नहीं शंकर भगवान जी है, क्या है अभी समझ में नहीं आ रहा है। इस साइड में है हनुमान जी हैं, गणपति महाराज जी हैं, जो काफ़ी अच्छा सेट है ये भी, धनुष लिए हुए हैं। मेरे ख्याल से राम भगवान होंगे, क्योंकि यहाँ पे बजरंगबली जी है। देखो यहाँ पे काम चल रहा है, हंसी मजाक भी हो रही है, और एक से बढ़कर एक मूर्ति अभी तैयार हो रहा है। तो अभी अपन इस साइड चलते हैं, इधर का दिखलाते हैं। ये देखो शिवाजी महाराज का स्वरूप दिया गया है यहाँ पे, क्या बात है। और यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बन रही है भाई, देखो कुछ में कलर भी स्टार्ट हो चुका है। छोटी छोटी मूर्तियाँ जो आप अपने घर में बैठा सकते हैं, बड़ी मूर्ति तो समिति वाले लोग ही बैठाते हैं, ऑर्डर देते हैं, तब जाके इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती है, और फ़ोटो देते हैं हूबहू उसी तरह से आप लोगों को मूर्ति बनकर मिलेगी मैघुराम चक्रधारी जी के यहाँ। और ये शेड भी देखो आप लोग, और इनमें से कौन सी गणेश मूर्ति आपको अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि ये देख रहे हैं यहाँ पर हमारे भोलेनाथ,
और गणपति महाराज जी, और मात्र एक महीना बचा हुआ है गणेश उत्सव के लिए, काम चल रहा है और एक से बढ़कर एक आप लोगों को पंडाल और गणपति महाराज जी देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ये देखो यहाँ भी हमारे भोलेनाथ गणपति महाराज जी जो कि नंदी में बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है और मूर्तियाँ काफ़ी बड़ी है, इस वजह से मैं प्रॉपर दिखला नहीं पा रहा हूँ आप सभी को। बाकी अच्छे से दिखाने की कोशिश में लगा हूँ ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे एक से बढ़कर एक मूर्ति बन रही है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे गणपति महाराज जी बनाए जा रहे हैं, कुछ में तो कलर चालू हो चुका है, एक से बढ़कर एक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटी मूर्तियाँ ये देखो अगल बगल में माता रानी और बीच में गणपति महाराज जी। यहाँ भी देखो अब थोड़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी आप लोगों को। और ये पुरानी मूर्तियाँ हैं जो फिनिशिंग दे के इसको एकदम नया बना देंगे। यहाँ पे दुर्गा माता भी बन रही है, देखो दुर्गा माता भी से चालू हो चुका है। वाह यार ये बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ भी छोटे छोटे गणपति से एकदम क्यूट से, मैं भी बचपन में गणपति महाराज जी को अपने घर में बैठाता था, अभी क्या घर में रहता नहीं हूँ करके मैं गणपति महाराज जी बैठा नहीं पाता क्योंकि सेवा 11 दिन का सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे माता रानी आधी अधूरी बन चुकी है, ये देखो ये शायद पुराना पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसको देखे अभी नया बनाया जा रहा है। ये देख लो लाइन से दिखला रहा हूँ, एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो सब आए हुए हैं वीडियो शूट करने के लिए, ये देखो मेटल किल भी आई हुई है। तो गाइस अब हम बाहर निकल चुके हैं, बाहर में ये जो मूर्ति है ये दिखाने के लिए। ये देखो ये भी बहुत प्यारी लग रही मूर्ति, काफ़ी शानदार। गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करना सब्सक्राइब करना, मिलते हैं बहुत जल्द एक नया व्लॉग।